नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। बीएसएफ के जुरिस्डिक्शन पर बीएसएफ ने स्थिति स्पष्ट कर दी। पिछले एक महीने से बीएसएफ के जुरिस्डिक्शन पर काफी विवाद हुआ, लोगों ने तरह तरह की बातें की, लेकिन अब बीएसएफ ने कहा कि जुरिस्डिक्शन बढ़ने का मतलब ये नहीं कि उसके पास जांच की पावर आ गई। बीएसएफ के पास जांच की पावर ना पहले थी ना अब होगी। भारत के नक्शे में इस वक्त आप तीन राज्य पंजाब, बंगाल और असम हाईलाइट होते हुए देख रहे होंगे। ये वो राज्य हैं जहां सीमा पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ की तैनाती। बीएसएफ बॉर्डर से 15 किलोमीटर अंदर तक के एरिया में पहरेदारी का काम किया करती थी। मतलब ये कि 15 किलोमीटर का एरिया बीएसएफ के जुरिस्डिक्शन में आता था, लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीएसएफ का ये दायरा 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया। हालांकि केंद्र सरकार ने 11 अक्टूबर को ही तीन नोटिफिकेशन जारी करके इस बात की जानकारी दे दी थी, लेकिन पंजाब में बीएसएफ के जुरिस्डिक्शन पर पॉलिटिकल बयानबाजी के बाद बीएसएफ के एडीजी योगेश बहादुर ने खुद स्थिति स्पष्ट कर दी। भारत सरकार गृह मंत्रालय के द्वारा 11 अक्टूबर 2021 को सीमा सुरक्षा बल के बारे में तीन नोटिफिकेशन जारी की है। पहली नोटिफिकेशन जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत जारी करा गया है, दूसरा नोटिफिकेशन पासपोर्ट एक्ट के अंतर्गत जारी किया गया है, और तीसरा पासपोर्ट एंट्री एक्ट के अंदर किया गया है। इसमें सीमा सुरक्षा बल की पश्चिम बंगाल में, असम में और पंजाब में जो काम करने की सीमा है उसे 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर बढ़ाया गया है। मीडिया में ये देखा गया है, कई जगह पर ऐसी धारणा व्यक्त करी गई है कि इससे सीमा सुरक्षा बल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी उसके अंदर जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगा। मैं यहां पर आप सबको बताना चाहूंगा कि सीमा सुरक्षा बल के पास पहले भी इन्वेस्टिगेशन की कोई पावर नहीं थी और आज भी कोई पावर नहीं है। पहले भी एफआईआर रजिस्ट्रेशन करने की पावर नहीं थी और अब भी एफआईआर पावर रजिस्ट्रेशन करने की पावर नहीं है। जब भी हम किसी व्यक्ति को सीमा पर पकड़ते हैं या किसी चीज को हम जब्त करते हैं तो उसको हम कंसर्न लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को हैंड ओवर कर देते हैं और यही सीमा सुरक्षा बल का लिमिटेड मैंडेट है। कई बार परिस्थिति ऐसी होती है कि कोई खबर आपको मिली, किसी को आपने पकड़ा और उसमें फर्दर एक्शन की जरूरत होती है और पीछे जाने की जरूरत पड़ती है। उसमें भी हम कोशिश करते हैं कि लोकल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को साथ लेकर जाएं और यूजली ऐसा ही करा जाता है। इन नोटिफिकेशन के द्वारा वो सीमा अब 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर करी गई है। मैं यहां सबको सूचित करना चाहूंगा कि सीमा सुरक्षा बल को अपने दायित्व का पूरा अनुबोध है और जो हमें सीमित क्षमता दी गई है उसके बारे में भी सभी स्तर पर जानकारी है और हम अपनी क्षमताओं के अंदर रहते हुए ही कार्य करेंगे। हालांकि इससे पहले अक्टूबर में पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने गृह मंत्रालय के इस फैसले के बाद कहा था, मैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ 50 किलोमीटर के क्षेत्र में बीएसएफ को अतिरिक्त अधिकार देने के भारत सरकार के एक तरफा फैसले की कड़ी निंदा करता हूं, जो संघवाद पर सीधा हमला। मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस असंगत निर्णय को तुरंत वापस लेने का आग्रह करता हूं। चन्नी के बयान के बाद पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्रालय के इस फैसले की तारीफ करते हुए कहा था, बीएसएफ की बढ़ी हुई उपस्थिति और शक्तियां ही हमें मजबूत बनाएगी। आइए केंद्रीय सशस्त्र बलों को राजनीति में न घसीटें। दरअसल इन तीनों राज्यों में रहने वाले लोगों और नेताओं को लगता है कि बीएसएफ 50 किलोमीटर के दायरे में पहरेदारी के साथ संगीन अपराधों पर कार्रवाई से लेकर सर्च ऑपरेशन तक कर सकती। इन इलाकों में बीएसएफ के पास पासपोर्ट एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, सीमा शुल्क जैसे केंद्रीय कानूनों के तहत तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी का अधिकार मिल जाएगा। हालांकि इन बातों में क्या सच है, बीएसएफ के अधिकार कितने बड़े हैं, हर बात खुद बीएसएफ के एडीजी योगेश बहादुर ने क्लियर कर दी।